So we now invite our esteemed speaker, Mr. Priyadarshan, news editor, NDTV India, to share his views on the topic, agenda setting and the quality of public sphere in India. और मेरे नौजवान दोस्तों जिसमें कई लोग आने वाले दिनों में मेरे शायद सहयोगी भी होंगे, हम लोग अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं पत्रकारिता की क्लासेस में जो पढ़ते हैं, खबर कैसे बनती है, उसकी अहमियत क्या होती है, उस पर इंटरेस्ट का कितना एलिमेंट होता है, उसमें उसके प्रभाव का क्या दायरा होता है, इन सारी चीज़ों से हम खबर को तय करते हैं। आज जो मुझे मैडम नीरू चौधरी ने सब्जेक्ट दिया था, एजेंडा सेटिंग, मीडिया में एजेंडा कैसे बनता है, कैसे हम तय करते हैं कि कौन सी खबर लेंगे कौन सी नहीं लेंगे, कैसे जो टेलीविजन और न्यूज चैनलों की जो पूरी दुनिया है, जो अखबारों की पूरी दुनिया है, वो जो आपके सामने आती है तो उसके पीछे कितना रिपोर्टर होता है, कितने संपादक होते हैं, कितनी संपादकीय दृष्टि होती है और कितनी उसके पीछे लगी पूंजी का दबाव होता है, उसके पीछे चल रही सियासत का खेल होता है, ये सारी चीजें होती हैं जो आपके सामने एक अखबार को पेश करती हैं, एक न्यूज आर पेश करती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज मैं मतलब कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे उस एजेंडा सेटिंग के अलग अलग पहलुओं को सामने लाऊं और इस दौरान जो हमने नेशन स्टेट की बात की, किस तरह 67 सालों में क्या हुआ, कैसे किस रूप की स्पाइंग हुई, उन सब सवालों पर जब हम खबर को लेते हैं तो कौन कौन से पूर्वाग्रह, कौन कौन से प्रेजुडिस हमारे भीतर सक्रिय है ना। देखिए, हम लोग अक्सर मानते हैं कि अखबार जो है टेस्ट पे तैयार होता है, रिपोर्टर फील्ड से रिपोर्ट देता है, अखबार टेस्ट पे तैयार हो जाता है, हमारे कैमरामैन शूट करके लाते हैं, हम लोग उसको स्टूडियोज में फिक्स कर लेते हैं। सच्चाई ये है कि इस देश का मीडिया, जो मुख्य धारा का मीडिया है, उसके पीछे बहुत बड़ी पूंजी लगी, वो आज एक व्यवसाय है, बहुत बड़ा व्यवसाय है, उसमें कोई नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। टीआरपी की दौड़ सिर्फ पत्रकार की शोहरत की दौड़ नहीं है, वो उसके पीछे खड़ी पूंजी के मुनाफे की दौड़ है, वो दौड़ कहीं ज्यादा बड़ी है। पिछले 20 सालों में मतलब मैं पत्रकारिता के अगर इतिहास को थोड़ा सा देखता हूं तो मुझे उसमें कम से कम 4 दौर दिखाई देते। एक दौर आजादी के पहले का है, जब हिंदी पत्रकारिता या भारतीय पत्रकारिता जेल खानों में पैदा हुई, वो आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते आगे बढ़ी और वो विरासत जो है मतलब आजादी की लड़ाई में नेता और पत्रकार दोनों जैसे एक थे। गांधी जी अखबार निकाला करते थे, नेहरू जी अखबार निकाला करते थे, तिलक अखबार निकाला करते थे, जितने बड़े नाम थे सब अपने आंदोलन में कलम को शरीक करने वालों में थे। वो परंपरा है जिसने भारतीय प्रेस की आजादी की नींव रखी। आज अगर कोई मानता है कि हमें किसी संविधान से, हमें किसी कानून से बोलने की आजादी मिली है तो इस बात को भूल जाता है कि उसके पीछे ये बहुत मजबूत परंपरा भी है, उसकी मेमोरी भी है। तो भारतीय प्रेस और पत्रकारिता की जो आजादी है वो उन दिनों के दिन है। आजादी के बाद एक दूसरा दौर शुरू होता है जो एक तरह से 75 तक चलता है, जब लगता है कि मीडिया और सरकार दोनों मिलकर देश चला रहे हैं, लगता है कि सरकार जो कुछ बोल रही है मीडिया उसको फॉलो कर रहा है। तब नेहरू को अपनी आलोचना में लेख लिखने पड़ते हैं, नेहरू की आलोचना करने वाला कोई नहीं है। नेहरू को शंकर की किताबें, डोंट स्पेयर मी शंकर, नेहरू का वाक्य है, बोलते हैं कार्टूनिस्ट को कि तुम मुझे बख्शो मत। ये दौर 75 तक जाता है, 75 की इमरजेंसी आती है और अचानक मीडिया एक बड़े नेता के मुताबिक उसको घुटनों में बैठने को कहा गया था और रेंगने लगा। अगले 19 साल सलमान रुश्दी की किताब मिडनाइट चिल्ड्रन में एक रूपक आता है कि वो लंबी काली रात थी, 19 महीने लंबी वो रात थी इमरजेंसी की, जिसमें प्रेस जो है बिल्कुल बैठा रहा, बिल्कुल सोया रहा, बिल्कुल दबाया जाता रहा, वो जेल खानों में दोबारा पहुंचाया जाता रहा। 77 के बाद भारत की राजनीतिक पत्रकारिता का एक नया दौर शुरू होता है। अचानक हम देख रहे हैं कि पत्रकार नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, बड़े घोटालों को सामने ला रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों से तरह तरह के सवाल हो रहे हैं,
91 तक वो पूरा दौर चलता है। 91 के बाद हिंदुस्तान दुनिया भर की पूंजी के लिए खुलता है, बड़ा पैसा बाहर से आ रहा है, बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, एक अखबार अपने आपको घोषित करता है कि वो प्रोडक्ट है। यहां से पूरा का पूरा दृश्य बदलता है। अचानक जो पत्रकारिता राजनीति के पीछे थी वो पूंजी के पीछे पीछे हो जाती है। अखबार पाठकों के लिए नहीं विज्ञापन दाताओं के लिए निकाले जाते हैं। अगले 20 वर्षों में मतलब 2003-04 के बाद जो टेलीविजन चैनलों का विस्तार होता है वो दरअसल किसी नई पूंजी का नया खेल है। और उसके बाद तो मीडिया का ये खेल भारत में भले थोड़े फुहड़ ढंग से खेला जा रहा हो, आया बाहर से ही है। ये पूरी परंपरा चाहे आप नामों को देख लें चाहे आप कंसेप्ट को देख लें, बाहर से तो बाहर और भीतर का खेल नहीं, क्योंकि इस पूंजी का चरित्र ग्लोबल है, अंतरराष्ट्रीय है। अब आप देखिए कि यहां खबर कैसे बनती है, मैं उस इशू पे आ रहा हूं। तो ये जो अब कैसे एजेंडा सेट होता है इस नई पूंजी को, जो नया मध्यवर्ग हिंदुस्तान का है, पिछले 20 वर्ष में एक नया हिंदुस्तान खड़ा हो गया है, 30-35 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान, जो बिल्कुल यूरोप और अमेरिका के ऐश्वर्य को टक्कर देने वाला है, जो उससे आगे निकलने के सपने रखता है, जिसको लगता है कि एक दिन वो चीन के बाद दुनिया की महाशक्ति बनेगा। उसके पास बहुत सारे साधन है, उसके पास दुनिया भर में घूमने की सहूलियत है, उसके पास टूरिज्म के तमाम साधन, सब कुछ है उसके पास। वो एक नया हिंदुस्तान है। इस नए हिंदुस्तान को नाकामी की कहानी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ सक्सेस की स्टोरी चाहिए, उसको एक मरा गला पिटा बलगम फेंकता हिंदुस्तान नहीं चाहिए, उसको एक चमकता दमकता वर्ल्ड कप जीतता या वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद वाला हिंदुस्तान चाहिए। तो यहां से एजेंडा सेट होता है, यहां से वो सचिन तेंदुलकर जैसे नायक को खोजता है। सचिन तेंदुलकर का संन्यास जो है वो इतनी बड़ी खबर बनता है कि बाकी सारी खबरें दब जाती हैं। और सचिन से आप कोई असुविधाजनक सवाल नहीं पूछ सकते हैं। जिस टीम में सचिन का सिलेक्शन नहीं हुआ है उस सीरीज के बारे में सचिन बोलते हैं कि मैं वो दो टेस्ट खेल के रिटायर होऊंगा। कोई नहीं पूछता है कि अभी तो टीम का सिलेक्शन हो जाने देते हैं, आपका सिलेक्शन दो टेस्ट मैच के लिए हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद आप बोलते हैं कि मैं नहीं खेलूंगा। आपने अपना सिलेक्शन फाइनल खुद कर लिया, आप मान के चल रहे कि दो टेस्ट कब खेलेंगे। हिंदुस्तान में किसी को सवाल पूछने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सचिन महानायक है, वो जीत का भरोसा है, वो आने वाले कल की उम्मीद है। तो उसके उसकी आखिरी पारी, पूरा टेस्ट मैच खत्म हो गया, सचिन के 10 रन पे आउट होने की खबर चली, ये खबर चलती रही कि उसके आउट होने में बेईमानी की गई, लेकिन जो नौजवान खिलाड़ी है उनके परफॉर्मेंस पे शायद इतनी चर्चा नहीं हुई, या हुई तो वो भी उसी पूंजी का हिस्सा है, क्योंकि वो सचिन के वारिस की तरह ही देखे जा रहे हैं। चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ये बाजार के नए बनाए नायक हैं, जिनको बाजार ने बाकायदा खरीद लिया है। जो मुझे याद है कि पहले आईपीएल के लिए ऑक्शन शब्द का इस्तेमाल हुआ और मैं अपने चैनल में पहुंचा, लोगों ने कहा कि खिलाड़ी बिक गए, खिलाड़ी नीलाम किए गए। मैंने कहा कोई शालीन शब्द खोजो, तो उसने कहा फुटेज देख लीजिए सर, वो ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा शब्द हो, बोली लगाने के अलावा कोई दूसरा शब्द हो तो बता दीजिए। जब इन खिलाड़ियों का कोई फिक्र नहीं है तो हम क्यों इनके फिक्र करें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, सबको नीलाम होते हम लोग देखते रहे। तो ये जो टीम है जिसको हम भारतीय क्रिकेट टीम बोलते हैं, कहीं वो सहारा की टीम है, कहीं वो मुकेश अंबानी की टीम है, कहीं वो श्रीनिवासन की टीम है, वो बड़ी पूंजी की टीम है जिसको बड़े नायक बड़ी जीत का भरोसा चाहिए। वो ये सवाल कभी नहीं पूछेगा कोई कि हिंदुस्तान में ऐसी फास्ट पिचेस क्यों नहीं है जैसे दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में है, और हिंदुस्तान में इन वर्षों में ऐसा तेज बॉलर क्यों नहीं हुआ जिससे दुनिया डरे। मोहम्मद शमी बहुत अच्छा बॉलर है लेकिन रिवर्स स्विंग से विकेट ले रहा है। बहरहाल ये अकेला मुद्दा नहीं है, ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं। एक मजबूत हिंदुस्तान तैयार करने की कोशिश में आप देखिए कि मुझे याद है कि 1998-99 का साल था जब पोकरण के धमाके हुए, अचानक लगा कि देशभक्ति का एक नया दौर आ गया, तुम सारी दुनिया को प्रीत देंगे। उन धमाकों की वैधता पे किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा कि पोकरण मतलब हम 5 न्यूक्लियर कंट्री दे रहे हैं। कृष्ण कुमार ने बहुत अच्छा लेख लिखा था, उन्होंने कहा कि भारत की वो ताकत 5 एटमी शक्तियों में शामिल के क्लब में शामिल होने से नहीं मिलेगी, 10 सबसे गरीब देशों के क्लब से बाहर निकलने में मिलेगी। आप
उन 10 देशों के मतलब स्ट्रेटजिकली भी किसी ने नहीं पूछा कि जब तक आपने एटम परीक्षण नहीं किए थे तब तक आप पाकिस्तान से पारंपरिक हथियारों में आ गए थे। अगले दिन पाकिस्तान ने सारे परीक्षण कर डाले और आपके बराबर खड़ा हो गया। और उसके बाद आकर जो करगिल आया उसने बताया कि हथियारों का कोई मतलब नहीं है। सच 1945 के बाद से इन सारे हथियारों का वो बस गोदामों में पड़े रहने को अभिशप्त है। सोवियत संघ इतने बड़े बड़े एटमी डिवाइसेस लेके डूब गया, खत्म हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और एक दौर ऐसा था जब अमेरिका के राष्ट्रपति को जापान के आगे झुकना पड़ता था। तो मैं कह रहा हूं कि पिछले 20 वर्षों में जो एक नया हिंदुस्तान खड़ा हुआ है उसकी ताकत क्या है। किसी ने बहुत पहले लिखा था कि अगर एशिया और अगर यूरोप और अमेरिका जैसा जैसी समृद्धि आपको हासिल, तो यूरोप और अमेरिका की समृद्धि किस बात की समृद्धि है? वो 200 साल तक एशिया और अफ्रीका को लूटने से पैदा हुई समृद्धि है। आपने दो महादेशों को लूटा, उसके बाद अपना स्वर्ण विश्व बसाया। हिंदुस्तान क्या कर सकता है? हिंदुस्तान हिंदुस्तान के एक हिस्से को लूट रहा है। 30 करोड़ के हिंदुस्तान ने 70 करोड़ के हिंदुस्तान को अपना उपनिवेश बना के रखा हुआ है। इस 30 करोड़ में हम लोग भी शामिल हैं। एक छोटा हिंदुस्तान एक बड़े हिंदुस्तान को पेराज कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर जब मैं रोज रात को निकलता हूं तो एक तरफ चमचमाती गाड़ियां होती हैं और दूसरी तरफ फुटपाथों के किनारे सोए हुए लोग होते हैं। दो दिल्लियां बिल्कुल हमारे सामने होती हैं। एक दिल्ली से आंख मूंद के हम दूसरी दिल्ली में मगन रहते हैं, सचिन के बारे में सोचते हुए, किसी नई फिल्म के बारे में सोचते हुए, राहुल बनाम मोदी की बहस के बारे में सोचते हुए। तो हिंदुस्तान को ये जो नया हिंदुस्तान है मीडिया उसी ने हिंदुस्तान का मीडिया है। एक बात तो ये मुझे याद है कि डॉक्टर धर ने नेशन स्टेट की बात कही थी। देखिए नेशन स्टेट इस तरह की गड़बड़ियों का मतलब एक पुरानी कहावत है कि देशभक्ति जो है तमाम तरह के बदमाशों का आखिरी शरण्य होती है। Patriotism is the last resort of every scoundrel. So, nation state 18वीं-19वीं सदी में जो शुरू हुआ था यूरोप से, आज उसकी अवधारणा पीछे पड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। दो-दो विश्व युद्ध लड़ा यूरोप, मतलब जिसको वर्ल्ड वार हम बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार, बेसिकली वो यूरोपियन वार थे। उसमें जापान शामिल था, चीन और सिंगापुर शामिल थे, लेकिन मूलतः वो ब्रिटिश, फ्रांस और उधर जर्मनी, इटली, इनके बीच के टकराव थे। ये सारे देश जिन्होंने दो दो वर्ल्ड वार लड़े, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्धों का इतिहास चला, इंग्लैंड स्पेन के बीच युद्ध चला, सन 91 तक आते आते ये सारे देश मिलकर एक हो जाते हैं, सब अपना सिक्का गला देने को तैयार हो जाते हैं। अचानक पता चलता है कि वो यूरो नाम की एक नई मुद्रा सामने है, यूरोपियन यूनियन एक नया संघ सामने है और दुनिया की चुनौती दे रहा है। वहां नेशन स्टेट का सवाल पीछे छूट गया है। सोवियत संघ बहुत बड़ा नेशन स्टेट था, वो बिखर चुका है। और जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद कहां बचा हुआ है, दुनिया के सबसे पिछड़े हुए हिस्से में जिसका नाम दक्षिण एशिया है, जहां श्रीलंका में 40,000 लोग ऐसे राष्ट्रवाद की बलि चढ़ाए जाते हैं। हिंदुस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक प्रचार और अत्याचार दोनों चलता रहता है और बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने ढंग से विकृतियों के शिकार दिखाई पड़ते हैं। तो ये राष्ट्रवाद जो है एक नया जो दौर है जिसमें राष्ट्रों की भूमिका सीमित हो रही है, जिसमें हमारे सामने कई एक ग्लोबल दुनिया है। इस ग्लोबल दुनिया में मीडिया का एजेंडा क्या हो ये हम लोगों को तय करना है। अभी तक जो एजेंडा है वो बड़ी पूंजी का एजेंडा है, उसमें किसानों की आत्महत्या शामिल नहीं है। हम आगे बढ़ते हिंदुस्तान की तस्वीर खूब खींचते हैं, ये भी बताते हैं कि हमारे किसान कितनी आत्महत्या कर रहे हैं। बल्कि अब तो हालत ये हो गई है कि सेमिनारों में एक आंकड़ा रह गए हैं। मैं ये बोलते हुए शर्मिंदा होता हूं कि मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये बड़ी सच्चाई है। इसी तरह इन 20 वर्षों में श्रम कानूनों की जो भयानक उपेक्षा हुई है, मतलब काम के घंटे तय हो, नौकरियों के बाद सुरक्षा हो, इसको लेके बहुत खून बहाया गया। एक बहुत बड़ी लड़ाई मजदूरों को लेके लड़ी गई। चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास एक दौर में जो थे वो औद्योगिक क्रांति के विभत्स चेहरे की ओर इशारा करते थे। धीरे-धीरे
धीरे धीरे आपने काम के घंटे 8 तय किए, पेंशन तय की, सामाजिक सुरक्षा के दूसरे उपाय तय किए, 20 वर्षों ने उन सारे उपायों को तार तार कर दिया है। छठनी आम है, काम के घंटे 12 की जगह 20, 20 की जगह 24 हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और कहीं कोई खबर नहीं है, क्योंकि मालिकों का एजेंडा हो रही है, मजदूर का एजेंडा है। इसके साथ एक बात और हुई है, जहां हमारा रोल शुरू होता है पत्रकार के तौर पे, शायद हमारा वर्ग चरित्र भी बदला है। मैं ये बात कई बार कर चुका हूं कि एक दौर में पत्रकारिता कमजोर आदमी की आवाज होती थी, आज वो मजबूत आदमी का बयान है। यानी कल को हम लोग बताया करते थे कि देखिए अमुक इलाके में बिजली नहीं आ रही है, आज खबर बिजली आने की नहीं होती, बिजली मंत्री के ऐलान की होती कि हम 1500 मेगावाट का एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्लांट लगा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो इस तरह खबर का चेहरा, खबर का चरित्र बदल रहा है। मौसम की खबर हम करते हैं तो बिल्कुल अपने हिसाब से करते हैं कि दिल्ली की सड़कें जाम हो गई बारिश में, बड़ी बुरी बारिश हुई, हमें नहीं मालूम कि उसका फसलों पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि हम उसकी परवाह ही नहीं करते। हम सारी की सारी खबरें दिल्ली तक सेंट्रिक सीमित रखते हैं, इंसाफ की सारी लड़ाइयां हम यही चाहते हैं कि लड़ लें। जेसिका जैसी लड़कियां शायद दूसरी जगहों पर भी इंसाफ से महरूम होती होंगी, यहां हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। यहां 16 दिसंबर का गैंगरेप एक राष्ट्रीय इशू बन जाता है, जबकि सच्चाई है कि लड़कियों के साथ बलात्कार आम है और इस देश में तो एक हिस्से में वो राजनीतिक दमन के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप मणिपुर में, श्रीनगर में, छत्तीसगढ़ में आप जाए तो पता चलेगा कि रेप जो है वो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है लोगों को लड़ाई लड़ने से रोकने का। दिल्ली की लड़ाई हम लड़ लेते हैं, सोनी सोरी की लड़ाई में लड़ते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ में भयानक यंत्रणा दी जाती है, जिसकी यंत्रणा इस दामिनी की यंत्रणा से कम नहीं। तो हम एक बहुत छोटे हुए, एक छोटे से सिकुड़े हुए संसार में अपनी सारी प्राथमिकताएं तय करके अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। ये हमारे समय की एक बड़ी ट्रेजेडी है। इसके साथ जो एक बड़ा सवाल है कि फिर हमारी भूमिका क्या है, मतलब जो राव साहब ने कहा था कि बड़ी घुमावदार गलियों से कभी कभार कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो जाती है, तो ये सच है कि हम लोग लगातार छापामार लड़ाइयों में भी लड़ने को मजबूर हैं। हमारे सामने एक बड़ी पूंजी है, ठीक है, लेकिन हमारे सामने उससे आंख मिलाती इंसानियत की, उससे आंख मिलाती मनुष्यता की कहानियां भी, कहीं कहीं वो हौसला भी कि हम सबके पार जाते हैं, वो रास्ते निकालते हैं, छापामार लड़ाइयां लड़ते हैं। हम नेशन स्टेट के पहचान के इकहरे जो दावे किए जाते हैं उनको चुनौती देते हैं। हम अपनी पहचानों के सवाल पे तय करते हैं कि क्या, जैसे पहचान का सवाल क्या है, मतलब एक आदमी की पहचान की बहुत सारी तहें होती है। मैं अभी यहां बैठा हूं तो एक पत्रकार हूं, मैं पत्रकारों के बीच बैठा होगा तो शायद एनडीटीवी का आदमी होगा, मैं अगर हिंदुस्तान के बाहर जाऊंगा तो मैं भारतीय होगा, मैं अगर दिल्ली के किसी हिस्से में कोई मुझसे पूछेगा कहां रहते हैं तो शायद मैं बताऊंगा कि मैं वसुंधरा में रहता हूं। तो आप सब देखेंगे कि हमारी पहचान के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एक साथ कई पहचानें हमारे अंदर सक्रिय रहती हैं। आप अपने मोहल्ले के भी हैं, आप जिम्स के भी हैं, आप पत्रकारिता के छात्र भी हैं, आप एक साथ अपने मोहल्ले के भी हैं, अपने परिवार के भी हैं, एक साथ कई पहचानें सक्रिय होती हैं। आमतौर पर ये सारी पहचानें खत्म करके आपकी कोई एक स्थिर पहचान कर देने की, आप सिर्फ हिंदू हैं, आप सिर्फ अल्पसंख्यक हैं, आपको सिर्फ हिंदू होने पर गर्व करना है, आपको सिर्फ अल्पसंख्यक होने पर असुरक्षित महसूस करना है, आपको सिर्फ भारतीय होने का गुमान करना है, ये सारे बड़े खतरनाक तथ्य हैं जो लगातार हमारे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पे, जो निजी तौर पर मैं अपनी भूमिका मानता हूं, उसमें मानता हूं कि इन सारे पूर्वग्रहों से मुठभेड़ करता हूं, अपने मनुष्य होने की अलग अलग तहों को समझूं। देखिए पत्रकारिता में शब्द जो होते हैं बहुत मायने रखते हैं, हर शब्द एक बड़ी स्मृति से लैस आता है। जब धर्म आप बोलते हैं तो धर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुत सारे अर्थ आपके भीतर गूंजते रहते हैं। जब आप माँ बोलते हैं तो माँ की पूरी स्मृति चली आती है आपके भीतर। तो अगर आप इस सारी स्मृति से परिचित, इस सबसे सचेत हैं,
तब तो आप इश्यूज अपने ठीक से चुनेंगे, अपनी पत्रकारिता के धर्म को ठीक से निभा पाएंगे, वरना कहीं इस तरह के राष्ट्रवादी मुहावरों की गोद में चले जाएंगे, कहीं बड़ी पूंजी के दबाव में चले जाएंगे, जो आज हो रहा है। आज देखिए, मतलब जो पूरी पत्रकारिता एजेंडा सेटिंग के सवाल पर फिर मैं लौट रहा हूं कि आज मीडिया में क्या दिखाई पड़ता है, लीडर, एक्टर, प्लेयर और क्रिमिनल। हिंदुस्तान की जो असली रचनात्मक मेधा है, जो कला, साहित्य, संस्कृति की ढेर सारी चलने वाली लगातार एक चला आ रहा है, एक सिलसिला है, उन सबको जैसे हम टच करते ही नहीं, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में, क्योंकि वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। आज की ये पूंजीवाद एक तनाव भरी दुनिया आपको देता है, और उस तनाव से निजात पाने का आसान नुस्खा देता है कि एक अच्छी सी फिल्म देख लो, आप एक हल्का सा मनोरंजन ले लो, उस मनोरंजन में तनाव नहीं होना चाहिए। कि नया फॉर्मूला है कि अब तनाव तो हम दफ्तर में छेल के आते हैं, अब हमको सोचना पड़े, इसके बाद तो सोचने को हम तैयार नहीं। ये बड़ी खतरनाक सी चीज है। जब हम पत्रकारिता करते हैं तो इन सारे सवालों से रूबरू होते हैं, कई बार उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, कई बार चुपके से अपना एजेंडा शामिल कर देते हैं, कई बार लड़ते रहते हैं। लेकिन जो आखिरी बात, जो एक बड़ी हकीकत है, कि सारी चीजों के बाद भी सच के बहुत सारे चेहरे सामने आ जाते हैं। इन सारे दबावों के बाद भी, सारे लौह दुर्ग के बाद भी पता चलता है कि मतलब सूर्य भानुगुप्त एक बहुत पुराने रसलकार हुआ करते थे। उन्होंने 1980 में जब प्रेस बिल लागू हुआ था बिहार में, तो कई क्षणिकाएं लिखी थी। उसमें एक क्षणिका ये थी, करते हैं कमाल फैसले तुगलक, बांधना था तो बांधते दरिया, धूप को बांधने चले तुगलक। तो इस सूचनाओं की जो धूप है, वो छन छन के हमारी आपकी मार्फत और बहुत सारे लोग उनकी मार्फत धीरे धीरे पहुंचती है। मैं जानता हूं कि जो बातें मैंने रखी हैं, बहुत सारी संबद्ध एक दूसरे से बिखरी हुई हैं, लेकिन वो सारी चीजें जो हम रोज महसूस करते हैं और आने वाले दिनों में आपके सामने भी चुनौती होगी। धन्यवाद। Before I will call upon Mr. Rahul Dev to address the audience, I declare the floor open for questions. If anyone in the audience has any question for the speaker, they can please ask them. गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन राव सर आपसे है। सर, आपने बात करी हैंडआउट जर्नलिज्म की। सर, आपको नहीं लगता हैंडआउट जर्नलिज्म और इंटरप्रिटेटिव जर्नलिज्म के बीच में चूज करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो मीडिया हाउसेस का भी होना चाहिए? उनको भी ये देखना चाहिए कि उनको कैसी जर्नलिज्म की ओर जाना है, उन्हें अपने जर्नलिस्ट को किस जर्नलिज्म में डालना है। सर, ये भी तो एक मसला है ना कि अगर जर्नलिस्ट को ये अधिकारी नहीं मिलेगा कि वो जाके फील्ड में इन्वेस्टिगेट करे, तब तक वो कैसी अच्छी जर्नलिज्म कर सकता है? बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, आई थिंक मोर फॉर द स्टूडेंट्स देन फॉर सर। बट हम शायद एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं पत्रकारिता के, जहां पर हम चीजों को मानने लगे हैं, जो सिस्टम है हम उससे बाहर नहीं निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसकी वजह जो हमने पूंजीवादी मीडिया के बारे में बातें की वो है, या उसकी वजह शायद पत्रकार जमीनी स्तर पर बहुत असंवेदनशील हो चुके हैं, दे बिकम वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द कॉमन मैन। हाउ डू यू थिंक एज टीचर्स, एज फैसिलिटेटर्स, वी कैन रिमूव दिस प्रॉब्लम? बिकॉज आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम कमिंग आउट ऑफ जर्नलिज्म स्कूल्स। सो हाउ डू यू थिंक वी कैन एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ इनसेंसिटिविटी और नोइंग व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूज? My question is for Priyadarshan sir. Sir, जैसा कि आपने कहा कि जिसे 16 दिसंबर का गैंग रेप इशू था, that it was taken up by the media and the media is only for the rich people. But sir, the girl who was abused, she wasn't a rich person. And even international media has accepted that gang rape was a taboo issue in the society. But for the first time, media में इतने फ्लरिश के साथ, इतना हर टैबलॉइड के अंदर, हर न्यूज़पेपर के अंदर वो इशू स्प्लैश किया गया था। इट वॉज अ टॉकिंग इशू, मतलब लोग एक उसके बारे में टॉक कर रहे थे, दे वर एक्चुअली ओपनिंग अप टू इट, इट वॉज अ डिनर कन्वर्सेशन यू कैन से फॉर एवरी हाउस होल्ड। सो आई थिंक दैट बेसिकली दैट मीडिया हैज एक्चुअली हैड अ हैंड इन इट, बिकॉज अगर हम इस इशू को फाइट करेंगे
So maybe issue aage jaake all be lot fighting, they would stand up for their rights for that. Now we have Mr. Priyadarshan sir to answer all your queries. Sir, you most welcome here. अब राहुल जी भी जिनको सुनना आपके लिए बहुत सुखद होगा, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो चार सवाल मेरे सामने हैं उनसे अलग मैं उस पांचवें सवाल से शुरू करूंगा जो मुझसे नहीं राव साहब से पूछा गया था। मीडिया मिशन है या प्रोफेशन, उन्होंने उसका जवाब दिया जो बहुत अच्छा और बड़ा सलीके का जवाब था। लेकिन ये सवाल बार बार जब मेरे सामने आता है तो मुझे लगता है कि दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो मिशन और प्रोफेशन दोनों नहीं। अगर एक टीचर है तो उसको भी अपना काम अच्छे ढंग से करना है, उसके लिए पढ़ाने का काम कायदे का होगा तो उसका प्रोफेशन होगा। मतलब हम मिशन और प्रोफेशन को बहुत बांट नहीं सकते। पत्रकारिता के साथ भी यही बात है दोस्तों, आपको प्रोफेशनल जर्नलिस्ट तो होना होगा, आपको अच्छा पत्रकार होना होगा, खराब पत्रकार होके पेशेवर पत्रकार न होके आप अच्छे मिशनरी भी नहीं हो सकते। आप एक अच्छे पत्रकार हो, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो और उसके बाद आप मिशनरी अपने आप हो जाएंगे। जो बात पैशन की थी, जो पूछा गया सवाल, इस सवाल को मैं उससे जोड़ रहा हूं कि पैशन जज्बा बेहद जरूरी है, यानी उसके बिना, उस पैशन के बिना कुछ भी लिखे बेकार होगा। तो एक पत्र ये, आपको अपना काम पैशन से करना है, आपको प्रोफेशनल बिल्कुल प्रोफेशनली बिल्कुल मजबूत होना है, तब आप मिशनरी भी हो पाएंगे। अगला सवाल जो बड़ा पेचीदा सवाल है कि जिस माध्यम में लगातार आप पे दबाव हो और पत्रकारिता मजबूत आदमी का बयान बंदी हुई जैसा मैंने कहा, तो कमजोर आदमी की आवाज कहा जाएगी। देखिए पत्रकारिता के अपने डायनेमिक्स है, अगर सूचनाओं की संप्रेषण की अपनी एक गत्यात्मकता होती है, उसकी अपनी एक आजाद ख्याली है, वो खबर छूट नहीं सकती है जो आपको छूती है। मतलब आपका मालिक, आपका एडिटर, आप एक ऐसी खबर ले आए जिससे उसकी आंख भर आए तो नहीं रोकेगा, बोलेगा कि इसको चलाओ। मैं अपने चैनल पे जानता हूं कि हम लोग भी एक प्रोफेशनल मीडिया है, लेकिन कई बार ऐसे कोनो अंदरों की खबर हम लाते हैं जहां लगता है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, और मतलब चाहे कोसी की बाढ़ हो, चाहे उत्तराखंड की तबाही हो, चाहे तमाम चीजें। एक बात और, मतलब मीडिया की इस बात के लिए बहुत आलोचना की जाती है, इसका बहुत सतहीकरण हुआ है। ये सच है कि पिछले 20 वर्षों ने मीडिया ने लोकतांत्रिकीकरण में, डेमोक्रेटाइजेशन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। 20 साल पहले नेता अपनी मर्जी से फैसले करते थे, दल बदल लेते थे, सरकारें गिरा दी जाती थी। आज वो संभव नहीं है। आज हमारी आंख एक एक नेता की एक एक हरकत पे, एक एक मुद्रा पे लगी होती है, लेकिन आपकी नजर उस पे है, आप उसको छोड़ते नहीं। तो ये भरोसा रखिए कि मीडिया वाले जो चाहे, मीडिया संपादक जो चाहे, अगर आप ठीक ठाक पेशेवर पत्रकार हैं तो आप जो खबर लाएंगे उसमें उस कमजोर आदमी की आवाज अपने आप शामिल होगी जो आप, जिसकी आवाज आप पहुंचाना चाहते हैं। ये मेरा ख्याल तीन सवालों का जवाब था। आखिरी सवाल क्या दूसरा था जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, दिल्ली के गैंगरेप से जुड़ा। मैंने कहा कि ये दिल्ली में था इसलिए शुरू ना, वो हकीकत है। ये सच की वो एक बड़ा प्रस्थान बिंदु इत्तेफाक से बना। 16 दिसंबर की घटना के बाद इस तरह की घटनाओं पे हम लोगों ने आम बातचीत शुरू की, मीडिया का रवैया भी बदला। क्योंकि मुझे याद है कि उसके पहले हमारे यहाँ इशू हुआ, अक्सर आप देखेंगे टेलीविजन चैनलों पे कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो एक मोंटाज था बनाया जाता है जिसमें लड़की मुंह छुपाए हुए या घुटनों से चेहरा छुपाए हुए कमजोर पीटी हुई सी दिखाई जाती है। हमारे लड़कियों ने ऑब्जेक्शन किया कि क्या दिखा रहे हैं हम, लड़की को इतना कमजोर का अंदर क्यों दिखा रहे हैं, सारे तस्वीर हटाइए। उन्होंने कहा कि इस पूरे अपराध में लड़की का कोई कसूर नहीं है, तस्वीर बताती है कसूरवार है, वो जीवन भर के लिए मतलब उसकी इज्जत टूट ली गई है। हमने कहा कि टर्म हटा दीजिए। अब पत्रकारिता में कम से कम हमारे यहाँ, और मैं देख रहा हूँ कि दूसरी जगहों पर भी इज्जत लूटने का मुहावरा इस्तेमाल नहीं होता है। रेप के साथ इज्जत उसकी जाती है जिसने वो किया है, जिसके साथ हुआ उसने एक अपराध झेला है उसको बोल के कि उसकी इज्जत लूट गई, हम उसकी त्रासदी को और बड़ा बना देते हैं। वे बड़ा गंभीर अपराध है, नारीत्व पे चोट है, उसके खिलाफ उस तरह लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। ये एक तरह की सेंसिटिविटी मीडिया ने पैदा की है। 16 दिसंबर का एक सच ये है, लेकिन उसके समानांतर दूसरा बड़ा सच ये है कि बहुत सारे
मतलब बाकी देश में रेप का इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिन पे और सिंसिटाइज सबको होने की जरूरत है, वो एक शुरुआत है उसको और बढ़ाने की।